तो ये है आज का हमारा कॉटेज जो हमने बुक किया है। प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए प्रॉपर्टी ये है जो कि काफी ब्यूटीफुल है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो पहुंच गए हैं ऋषिकेश, भी चलते हैं अपने हट में जो कि एक बहुत प्यारा है, मिला है बच्चों के लिए। अगर आप तीन लोग आ रहे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पूरा अरेंजमेंट है। ये डिनर हमारा लग चुका है और ये है अपना राइस, ये अपना है मटर पनीर और ये है अपना, ये है चिकन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज है हमारी एनिवर्सरी जिसमें हम अब जा रहे हैं ऋषिकेश। और ऋषिकेश में कहाँ जा रहे हैं ये थोड़ा सा सरप्राइज है आपके लिए, क्योंकि हम अभी लोकेशन नहीं बताने वाले आप लोगों को। और मैं बहुत जल्दी से तैयार होगी, मैंने कुछ किया नहीं, ना मेकअप किया ना कुछ किया, ऑलरेडी अब बहुत लेट हो चुके हैं। तो देखिए कितना पेट्रोल डलवाया हमने यहाँ पर, डल रहा है पूरा। थोड़ा क्लोजअप करके दिखा देते हैं आपको, ये देखो जी 2846 ये मीटर बढ़ता जा रहा है। कितना आता है हमारे ऑल्टो में पेट्रोल, ये देखते हैं। ये देखो जी, ये आ गया 2870। ये है मनु जो कि पूरी ईमानदारी से देखेंगे यहाँ पेट्रोल डाला कि नहीं डाला, क्योंकि जर्नी बहुत लंबी रहेगी। ये हमारे लगेज, दादा नहीं है थोड़ा है, और ये है कायरा। कायरा कहाँ जा रहे हो? कायरा कहाँ जा रहे हो? जैकेट हाँ ले रखी है। वहाँ क्या करोगे? हम कैंपिंग करने वाले, मम्मा भी फर्स्ट टाइम जा रहे हो। सो आर यू एक्साइटेड? कितने? अच्छा क्या करोगे वहाँ जाके? सो गाइस ये है हमारा 2870 का। भाई पेट्रोल कितना महंगा हो गया है देख लो भाई, पर घूमने के लिए जब जाना होता है तो सोचना नहीं पड़ता, सिर्फ खर्च करने होते हैं। सो गाइस आज का जो व्लॉग है काफ़ी अच्छा होने वाला है, जो हमारा एनिवर्सरी का है, पूरा एक साल हो चुका है। व्लॉगिंग करते करते हमने स्टार्टिंग ही की थी, व्लॉग हमने अपनी एनिवर्सरी से स्टार्ट किया था, राइट मनु? है ना, तो हमने आज ही के दिन शुरू किया था, तो ये भी बहुत बड़ा क्या बोल सकते, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने आज ही के दिन शुरू की थी। आज ही दिन हम इस टाइम कसौली में थे, राइट? और आज हम जा रहे हैं ऋषिकेश। यू सो आपको मिलते हैं गाइस कहाँ? ऋषिकेश। आगे की जर्नी भी हम आपको दिखाएंगे, राइट? सो गाइस एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो व्लॉगिंग हम आज करने वाले हैं उसमें हम अभी जो हमारी जो जर्नी जो स्टार्ट हो रही है वो है मोहाली से, राइट? जो भी लोग मोहाली से जा रहे हैं वो लोग कैसे यहाँ से जाएंगे और कितने घंटे का रास्ता, ये मैं आपको बताती हूँ अभी। सो गाइज अभी क्या है, मोड़ आ गया, मैं गिर रही हूँ। तो क्या है कि जो वहाँ ऋषिकेश जाने का जो टाइमिंग है एग्जैक्ट वो है 4 hours 30 minutes, बट स्टिल आपको ट्रैफिक के साथ जो मिलेगा ट्रैफिक वो तो कम से कम 5 घंटे तो लगते हैं, 5.5 घंटे लगते हैं जाने में, क्योंकि एक्चुअल टाइम पे कभी भी हम नहीं पहुँचे। गूगल मैप के थ्रू अगर आप देखें 4.5 घंटे तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, 11 बज चुके हैं और अभी ट्रैफिक बढ़ेगा, तो आने वाला टाइम कैसा होगा पता नहीं और कितना रश होगा, बिकॉज आज मंडे है, ऑफिस भी ओपन है, आज ऑफिस ओपन हो गया सबके, मंडे है, तो लेट्स सी देखते हैं अभी कितना ट्रैफिक हमें मिलता है, बट बी रेडी, हम बहुत मज़ा आने वाला आज के वीडियो में। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। सो गाइस ये हैं जीरकपुर पहुँचे हैं अभी हम और मैकडी के पास, और हो गया है 11:30 बजे हम निकले थे, हमें 1 घंटा लगे जीरकपुर आने में, 12 बज चुके हैं, ये देखिए ये टाइम बजने वाले हैं, 5 मिनट रह गए, क्योंकि सारा सामान सुन लिया हमने, थोड़ा खाने पीने का हमने सामान ले लिया था, और उसके बाद अब हमारी जर्नी शुरू हो गई है। ये देखिए मनु नेविगेटर लगाते हुए लोकेशन, ये देखिए अभी ये कितना दूर है मैं आपको दिखाती हूँ, 5 hours, वही 5 hours हो गए। तो ये देखिए अभी भी हमें 3 hours 32 minutes लगेंगे ऋषिकेश पहुंचने में। सो हेलो एवरीवन, अब हम लोग पहुंच चुके हैं सहारनपुर, कहाँ पहुंचे करना? सहारनपुर, यस। और अब यहाँ से हरिद्वार जो है अपना वो है 102 किलोमीटर, यहाँ पे अभी हम है, और अभी 1 किलोमीटर के आगे अभी टॉल आने वाला है, ये देखिए सामने टॉल आ गया। भाई ऐसा लग रहा है हम
जा रहे हैं लद्दाख। क्या व्यू है यार। जिसके कारण यहाँ पे जो अपना बैरिकेड लगा हुआ था, फाटक लगा हुआ था, अब फाटक ओपन हो चुका है। देखो ट्रैफिक कितना सारा है, तो अब धीरे धीरे करके ट्रैफिक निकलेगा और फिर हम लोग पहुंचेंगे। बाहर के नजारे लीजिए, हम हरिद्वार आए हैं आज और ऋषिकेश जा रहे हैं। तो हरिद्वार में हरी हरी तो बोला नहीं आपने, हरे रामा हरे कृष्णा जी नहीं है, हरे रामा हरे कृष्णा करो हाथ जोड़ के। देखो इंसान जन्म कहीं पर भी ले, बट अस्थियां तो यही बहाने आती है। हरिद्वार वैसे मैं तो जा जा। वैसे हरिद्वार में गंगा स्नान तो मैंने कर लिया, आप करोगे गंगा स्नान? और गंगा? क्या भाई पाप धुलते हैं यहाँ पे आके। अरे अपने तो हम पाप जब करेंगे तभी तो ना। और ये देखिए गुरुद्वारा, ब्यूटीफुल गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब। कितने की है ये? है 40 रुपीस की स्लिप, जो ये नीलकंठ के अंदर एंट्री करने के लिए ना, ये नीलकंठ के अंदर एंट्री कैंप एरिया जो है वहाँ पे एंट्री करने के लिए हमारी 40 रुपीस की टिकट लगी है। तो हमारी जो कैंपिंग है गट्टू घाट के पास है, ये आप रिवर देखिए शुरू हो चुकी है, मतलब राफ्टिंग भी लोग करने लगे हैं। सो गाइज ये है नीलकंठ गट्टू रोड जहाँ पे हमने कैंपिंग शुरू करनी है अपनी। सो ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहेगा, हमारी जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। ऋषिकेश में काफ़ी चीज़ें देखने के लिए अगर आप यहाँ टाइम निकाल कर आएँ, क्योंकि इस टाइम का जो वेदर है अक्टूबर का काफ़ी अच्छा है, लेकिन इससे बेटर अगर आपको चाहिए वेदर वो जून जुलाई में होता है। और अभी चलते हैं हम अपना नीलकंठ गट्टू रोड, जो कि आप लोग के लिए सरप्राइज था। जो कैंपिंग हमने की है वो नीलकंठ रोड है। सो ये है हमारा रास्ता जहाँ से हमको एंटर करना है, और यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जिनके खुद के घर भी हैं यहाँ पर, और इसके पास ही हमारा कैंप है। यहाँ पे हम उतरते हैं और ये है हमारा टेंट, और इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ और इंट्रोड्यूस करवाती हूँ यहाँ की कैंपिंग्स। We'll be right back.
हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो पहुंच गए हैं ऋषिकेश, काफी लंबी जर्नी कंप्लीट करने के बाद अब हम आए हैं नीलकंठ। नीलकंठ का वो नीलकंठ नहीं है, बट नीलकंठ एक जगह है जहाँ पे ये एक गट्टू घाट है, गट्टू घाट। तो ये यहाँ पे एक प्रॉपर्टी काफी बड़ी है और काफी यहाँ पे रेनोवेशन भी चल रहा है क्योंकि काफी लोगों की डिमांड यहाँ आई थी एसी कॉटेजेस के लिए। वो मेरे ऑपोजिट है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी चलते हैं अपने हट में जो कि एक बहुत प्यारा है। अब हमेशा होटल के रूम में रहे होंगे लेकिन ये एक ऐसा कॉटेज है जहाँ पे आपको सभी चीजें नेचुरल दिखेंगी। एक वुड का बेड दिखेगा, उसमें आपके लिए दो गद्दे हैं, एक सेपरेट बेड मिला है बच्चों के लिए। अगर आप तीन लोग आ रहे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पूरा अरेंजमेंट है। एक तरह से ये हट है, ये बहुत काफी शानदार लग रहा है। बेड काफी अच्छा है, गद्दे की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और साथ ही मैं आपको वॉशरूम दिखाती हूँ। आपने होटल का वॉशरूम देखा होगा लेकिन यहाँ का वॉशरूम देखिए थोड़ा सा अलग है क्योंकि थोड़ा सा हमें थोड़ी लग्जरी टाइप की वॉशरूम सबको मिलते हैं, बट ये थोड़ा अलग टाइप का, एक तंबू टाइप है। तंबू के अंदर हम लोग को रहना है क्योंकि ये एक नेचुरल एक्सपीरियंस है हम लोग के लिए। होटल में हम काफी देखते हैं कि हमें अलमीरा मिली है रखने के लिए, एक अलमीरा मिलती है, बट हमने यहाँ सामान नीचे ही रखा है क्योंकि यहाँ पे आपको वो चीजें नहीं मिलेंगी जो एक होटल के अंदर मिलती है क्योंकि होटल में से कोई फिर डिफरेंस ही खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा सा अलग है। तो आइए बाहर का व्यू मैं दिखाती हूँ आपको। सबसे पहली बात कि यहाँ पे एसी नहीं है, आपको एक छोटा सा फैन मिलेगा यहाँ पर, और ज्यादा यहाँ लाइट्स नहीं है, एसी नहीं है, आपको मिलेगा सिर्फ टू लाइट्स मिलेंगी, डिम लाइट्स, ताकि आराम से आप शांति से यहाँ बैठ सके। और जैसे ही हमने यहाँ आए, हमें यहाँ पे यहाँ के लोगों ने हमें काफी अच्छा वेलकम किया। उसके लिए हमें कुछ स्नैक्स वगैरह भी हमको दिए यहाँ पर, कुछ चाय और पकौड़े वगैरह भी दिए। तो चाय पकौड़ों के नाश्ता करने के बाद हम लोग बाहर चलते हैं और अभी मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। तो काफी नीट एंड क्लीन है और सबसे बड़ी बात है सेफ्टी, क्योंकि हमने कुछ और रूम्स भी देखे, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको सीमेंटेड रूम्स भी मिल जाएंगे, ये है नॉर्मल जो टेंट होते हैं, और एक टेंट मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारे टेंट्स हैं यहाँ पर, कुछ रूम्स हैं अवेलेबल है जो कि ये वाले हैं सीमेंटेड है, राइट। तो मैं आपको सीमेंटेड रूम्स दिखाती हूँ। सो अभी ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पर थोड़ा बहुत, जिनको थोड़ा एसी की डिमांड आई थी कि एसी होना चाहिए, गर्मियों के टाइम भी यहाँ काफी लोग आते हैं। तो ये वो रूम्स हैं जहाँ पे चार लोग रह सकते हैं अगर आप कोई प्लान कर रहे हो, तो शायद नेक्स्ट सीजन तक ये कम्प्लीट हो जाएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ जो नॉर्मल रूम की तरह होते हैं हमारे, जैसे हम होटल्स में रुकते हैं, ये सीमेंटेड है, ये टेंट नहीं है, जिसमें सिर्फ एक विंडो आपको मिलेगी ये वाली। और यहाँ पे दरवाजा आपको लकड़ का मिलेगा, इसे वुड बोलते हैं, वुड का डोर है ये, आप अंदर आके देख सकते हैं वाला रूम। यहाँ आपको दो बेड मिलेंगे, वुड के बेड है, सेम है वही गद्दा वही रजाई वगैरह सेम है, बट यहाँ लाइट चेंज है, ऊपर का छत के ऊपर की है वो पूरी अलग ही तरीके से बनाई हुई है, टू लाइट्स यहाँ ओपन है, आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए दो फैन यहाँ दे रखे हैं, ये देखिए। तो ये वॉशरूम है और ये मिरर है जो आपको उस रूम में नहीं मिलेगा बट यहाँ मिलेगा। तो ये है वॉशरूम, मतलब चेंजेस ये है कि थोड़ा सा ये नीट एंड क्लीन लग रहा है, मतलब टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं, आपको प्रॉपर एक वॉशरूम मिलता है अच्छे से, मतलब ये फीलिंग दे रहा है होटल वाली। और ये सिंक छोटा सा, और मैं दिखाती हूँ आपको, और एक छोटा बेड है। हर रूम में आपको तीन बेड तो मिलेंगे, तो अगर आप तीन लोग भी आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप आ सकते हैं, बट यहाँ हमारे साथ कारा है, कारा अपना अच्छे से एंजॉय करिए। और बाहर का व्यू आप देखिए, अभी तो ये नाइट का व्यू है, आप कल मॉर्निंग में हम देखेंगे कि मॉर्निंग का व्यू कैसा लगता है इस टाइम पर। और वो है वहाँ पे फूड सेक्शन है, फूड सेक्शन में आपको रात का, एक्चुअली हम यहाँ पे कैंपिंग में जब भी हम आते हैं तो हमको तीन टाइम का मील मिलता है, राइट, सुबह ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। बट इस टाइम हम जो आए हैं वो है नाइट का टाइम, जिसमें हमको स्नैक्स और प्लस फूड मिलेगा। तो स्नैक्स में इन्होंने हमें भी पकौड़े दिए और चाय दिए, वो हम भी खाते हैं। और अभी क्या है कि हम रिवर का व्यू नहीं ले पाएंगे क्योंकि काफी अंधेरा हो चुका है, रात होने वाली है। तो हम कल मॉर्निंग में आपको बाहर का व्यू दिखाएंगे, जो भी रिवर साइड का व्यू है वो काफी बेहतरीन है। सो आइए आपको पकौड़े खिलाते हैं, वही पहाड़ के पकौड़े।
अंदर चलिए, आप भी लोग आ जाइए स्टैंड के अंदर। ये हमारे पकौड़े और मैं पकौड़े टेस्ट करने वाली, इतने सारे पकौड़े कौन खाएगा, आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए। तो मैं करती पकौड़े एंजॉय और फिर मिलते डिनर में, तो तक के लिए बाय। सो गाइस, ये है हमारे कैंप का नाइट व्यू जो कि काफ़ी अमेजिंग था। मॉर्निंग में तो मैंने आपको दिखा दिया था और ये है नाइट का व्यू, और साथ ही हमने यहाँ काफ़ी इंजॉय किया, राइट मनु? यस, और ये देखिए सामने ये जो रूम्स बनाए हैं ये भी काफ़ी अमेजिंग लग रहे हैं। तो चलिए आप चलते हैं डिनर की तरफ। डिनर हमारा लग चुका है और ये है अपना राइस और ये साथ में है अपनी पीली वाली दाल जो येलो दाल जिसे कहते हैं, ये अपना है मटर पनीर और ये है अपना चिकन। ये है चिकन एंड दिस इज खीर। तो गाइस मैं आ गई पानी में, ये देखो काफी ना पानी काफी स्लिपी है। हाँ जी सर, मेरा नाम गोपाल है, मैं इस कैंप का मैनेजर हूँ। इस कैंप का नाम H7 स्टे है सर। तो आप यहाँ पर आने आ चुके हैं बिड़ला आश्रम, देखिए कितना प्यारा मैसेज लिखा हुआ है।